ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी गॉडली स्टूडेंट जिनको स्वयं ज्ञान सागर ने टीचर बनकर पढ़ाया, इसलिए हम सभी ज्ञान के भंडार बन गए। सरल शब्दों में यों कहें कि कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। लोग तो खोज करते आए, मैं कौन, भगवान कौन, ये दुनिया क्या, कैसे रची गई, किसने रची, क्यों, कब, कहाँ, हमें सब प्रश्नों का उत्तर मिल गया। एक अथाह ज्ञान, अनंत ज्ञान जिसे कहें, जो अब तक किसी को प्राप्त ही नहीं था, वो शिव बाबा ने आकर हम सबको प्रदान किया। तो संपूर्ण ज्ञान हमारे पास है। ये एक पहलू है कि ज्ञान लेकर हम ज्ञान के भंडार बन गए हों, लेकिन दूसरा पहलू है कि उसी ज्ञान को हमने अपने जीवन में धारण कर लिया हो, स्वरूप बन गए हों, ये दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है। और तीसरा एस्पेक्ट है कि उस ज्ञान को हम देकर यूज करके उसे बल बना लें, लाइट बना लें, उसे अपना शस्त्र बना लें। जब भी विघ्न और समस्याएं आए तो उसे यूज करके हम सहज ही उनसे पार हो जाएं, तो एक बहुत बड़ा बल हो गया ज्ञान का। ज्ञानी आत्माएं अगर विचलित हों, फेल हों, परीक्षाओं में डामाडोल हों, मोहग्रस्त होकर रोते रहें, तो उनको ज्ञान स्वरूप नहीं कहा जाएगा। तो हम जो जो ज्ञान की बातें हमें प्राप्त हैं उनका स्वरूप बने। इसमें ज्ञान का मनन चिंतन हमें बहुत मदद करता है। ज्ञान का स्वरूप वही बन पाते हैं जो ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं। मनन चिंतन का पहला अर्थ होता है उसे स्मृति में रखना, दूसरा कैसे, कहां, कब उसे यूज किया जाए इस पे विचार करना। मान लो ड्रामा का ज्ञान है, बहुत सुंदर ज्ञान हमें दिया, बड़ा गुह्य ज्ञान है, पर हम अपने पुरुषार्थ में ये तय कर लें कि जब मेरे पास ये परीक्षा आएगी तो ज्ञान की और ड्रामा की ये पॉइंट में यूज करूंगा, करूंगी। मेरा तन बीमार हो जाता है तो मैं ये पॉइंट यूज करूंगा, करूंगी। कोई बड़ी समस्या आ जाती है, मन पे टेंशन रहने लगता है, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, तब हम ड्रामा की ये बात यूज करेंगे, ऐसा पक्का करते हैं। तो इससे क्या होगा, दो चार बार जैसे ही हम यूज करेंगे तो हमें आदत पड़ जाएगी और वो ज्ञान हमारा शस्त्र बन जाएगा माया को परास्त करने का। वो ज्ञान हमारे लिए लाइट बन जाएगा हमें राह दिखाने का। वो ज्ञान हमें शक्ति प्रदान करेगा, हमारे अस्त्र शस्त्र बन जाएगा, हमें निर्विघ्न बनाने वाला हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारी पॉइंट्स हम ज्ञान की अपने पास लिखें। आत्मा का ज्ञान हमें मिला है, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने से उस ज्ञान का हम स्वरूप बन जाएंगे। हमें परमात्म ज्ञान मिला है, भगवान हमारा साथी है, इसको स्मृति में रखने से हम निश्चिंत तो निर्भय हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं जो बाबा ने हमें दी हैं, जैसे मेरापन बोझ लाता है, हमें बोझ में नहीं रहना है, हमें इस मैपन को समाप्त करना है। तो याद रखना है कि मेरे को तेरे में बदल कर, फिकर बाबा को देखकर उससे फकुड़ ले लेना है और बन जाना है बेफिकर बादशाह। तो इसको हम याद करेंगे तो हम ज्ञान का स्वरूप बन जाएंगे और बेफिकर बादशाह बनकर रहने लगेंगे। ये बहुत अच्छे हमें अनुभव हो जाएंगे और इस तरह हम रोज रोज अभ्यास करते हुए ज्ञान का स्वरूप बनते जाएंगे और ज्ञान स्वरूप जीवन दूसरों को आकर्षित करेगा।
और तब हम ज्ञान के भंडार भी बन जाएंगे, ज्ञान की अथॉरिटी भी बन जाएंगे। और जब हम दूसरों को ज्ञान देंगे तो हमारे शब्दों में बहुत प्रभाव भी रहेगा। तो बाबा को फॉलो करते हुए हम अपने को ज्ञान का स्वरूप बनाएं। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।